This fact is about the island of dead dolls. Isn't that fascinating? मैक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिको कैनालों के बीच एक छोटी सी द्वीप है जिसका दुखद इतिहास है और जो कभी टूरिस्ट प्लेस बनने की कोई योजना नहीं थी। इस द्वीप को इस्ला डे लास मुनेकास के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन यह छोटा सा द्वीप टूरिस्ट से भरा हुआ है, जहां सेंट्रीफाई हुए अंग, कटे हुए सिर और बिना आंखों के डॉल्स के पेड़ों को सजाते हैं। ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब जूलियन बरेरा ने मेक्सिको सिटी के बोरो जोचिमिको के निवासी होते हुए बीच एक तिशविलो झील पर एक द्वीप पर अपने आप को एकांत में बसाने का निर्णय लिया। जूलियन बरेरा ने फल और सब्जियां उगाने के लिए पूरी अकेलापन में इस द्वीप का आवासी होने का फैसला किया। वह इस द्वीप के केयर टेकर बन गए। एक दिन 1950 के दशक में जूलियन बरेरा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की अपनी बहन या दोस्तों के साथ तैर रही थी और उसे गहरे रहस्यमय परिस्थितियों में डूब कर ले गया, जबकि वह उसकी जान बचाने में सक्षम नहीं था और लड़की का शव जलवायु मार्ग से बाहर उसके द्वारा उसके घर के बाहरी हिस्से में डूबकर मर गई थी। जूलियन ने इस्लाम में रहने वाले एक कमरे वाली छोटी सी बंगले पर एक बड़ा पूजा स्थल बना। यहाँ वह और उसकी पत्नी रहते थे, आशा करते हुए कि वह उस आत्मा को खुश कर सकेंगे। लेकिन आत्मा अब भी आई तो उसने आत्मा से बचने के एक तरीके के रूप में डॉल्स का संग्रह करना शुरू किया। लड़की की आत्मा दुखी थी। सुबह में जूलियन बरेरा को भूत दिखाई देने लगे और एक दिन उठते ही उन्होंने देखा कि उसकी पौधों की जड़ें गायब हो गईं। उसने अपनी फसलों को सुधारने के लिए कई चीजें आजमाई, लेकिन उसे नहीं कर सका क्योंकि आत्मा ने उसे नुकसान पहुंचाया। वह और भयभीत हो गया। इसके बाद ही जूलियन ने कैनालों के पास एक डूबते हुए डॉल देखा। शायद वह डॉल उस लड़की का होगा। उसने डॉल उठाया और उसे एक पेड़ पर लटका दिया, उस लड़की की आत्मा को इस तरीके से सम्मानित करने के रूप में। आगामी 5 सदी में बरेरा ने 1000 से अधिक डॉल्स एकत्रित किए, जो कि क्षेत्र के मुख्य शहर के कचरे से हैं और अन्य के उपहार के रूप में भेजे गए। वे सभी अभी भी वहीं हैं, क्षय रहते हैं, कभी कभी सिर कटा हुआ और सचमुच भयानक। जूलियन बरेरा को अचानक ही उस लड़की की आत्मा ने पीड़ित किया और उसे उसकी आत्मा को खुश करने के लिए और डॉल्स का संग्रह करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ने लगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि डॉल्स खुद विवेशित लड़कियों के आत्माओं द्वारा अवेक थे और वह दिन भर आइलैंड को पूरी तरह से घिर लेते हैं। उसके पास उसके करीबी लोगों के अनुसार जूलियन बरेरा एक अदृश्य शक्ति द्वारा प्रेरित हो गए थे, जो उसे पूरी तरह से बदल दिया। दिखता है कि वह लड़की की जान नहीं बचा पाने के कारण बहुत चिंतित हुआ था। 2001 में जूलियन बरेरा को हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसका शव उसी जगह डूबने लगा जहां उसने 80 से अधिक साल पहले वह लड़की का शव ढूंढा था, जो उसके द्वारा उसके घर के बाहरी हिस्से में डूबकर मर गई थी। एक विश्वास है कि लड़की की आत्मा उसके पास आई और उसे पानी में खींच लिया। उसे और उसकी पत्नी को आइलैंड के कारण बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए जूलियन बरेरा के मामा अनास्तेसियो संताना ने द्वीप का देखभाल करना शुरू किया। स्वयं अनास्तेसियो संताना के 2019 में मृत्यु के बाद रोजेलियो संताना मौजूदा डॉल्स का रखवाला और जूलियन बरेरा के भांजा। करंटली रोजेलियो और उसकी पत्नी और 3 बच्चे आइलैंड नहीं रहते हैं, उन्होंने आइलैंड से 20 मिनट की दूरी पर रहते हैं। आजकल यह डॉल्स आइलैंड बिजनेस हो गया है। रोजेलियो संताना ने कहा कि उन्हें कभी कभी चांदनी रात में कुछ पर्वतीय रूपों को देखते हैं, लेकिन अन्य यात्रियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने डॉल्स की आंखों को घूमते हुए देखा और उन्हें बोलते हुए सुना है। उसके मरने पर इस आइलैंड के साथ क्या होगा, संताना ने कहा, मेरी संप्रदाय से
मैं मरने पर इसका मालिकाना अधिकार देता हूँ। बहुत से लोग दावा करते हैं कि जूलियन बरेरा आइलैंड के अन्य आत्माओं के साथ जुड़ गया है। स्थानीय लोग बहुत विश्वास योग्य हैं कि इस्ला डे लास मुनिकास एक जादुई स्थल है। जूलियन की 2001 में मृत्यु के बाद यह पर्यटक आकर्षण बन गया है, जहां टूरिस्ट और भी डॉल्स लाते हैं। कुछ स्थानीय कहते हैं कि डॉल्स को रात में जीवित देखते हैं। वास्तव में कुछ टूरिस्ट दावा करते हैं कि वे डॉल्स के सिर और बाहों को हिलते हुए देखा है और रात में उन्हें परेशान करते हैं वर्टिकल बार। लेकिन वास्तव में वह एक वास्तविक भयानक स्थान बन गया जो आम टूरिस्ट को चिन्हित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग फैसिनेटिंग फैक्ट्स।